Hello students, hope you all are good as I usually say, and you people are studying at home. I am hoping it, and you people must study at home. Aap log agar pad rahe hain, then it is very good for all of you as well as for teachers like me, because if their students are studying, this means their work is fulfilling. अदरवाइज हमारा इतना मेहनत करना वुड बी इन वेन, सब कुछ वेस्ट जाएगा. तो आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि अगर आप आज के लेक्चर में आए हैं तो आपको प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करके आना था, और वो टेबल स्पेशली दैट आई मेड यू अंडरस्टैंड इन माई प्रीवियस लेक्चर. अगर आप वो रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर वाला टेबल पढ़ कर आए हैं, देन डेफिनेटली ये तो कुछ भी नहीं रहा. फिर अब जैसे ही आप वो रिकॉल करेंगे, और दो स्टूडेंट्स फॉर होम आई हैव प्रोवाइडेड नोट्स एंड दे हैव सबमिटेड देयर वर्क, तो वो अपना टेबल ओपन करके बैठ जाएं अभी, दैट रे डायग्राम टेबल, और आपको ये समझना बहुत आसान होगा. हमने कहा था कि इन टोटल मिरर कितने रे डायग्राम्स हम मिरर में पढ़ने वाले हैं, 8, इन विच 6 are for concave mirror. 6 ray diagrams सिर्फ और सिर्फ concave mirrors के होंगे, and 2 would be of convex mirror. तो अभी इस first part में हम सिर्फ concave mirror discuss करेंगे, और उसके बाद हम discuss करेंगे convex mirror के. Now see, आप इन diagram को देखे बिना आप उस table को देखेंगे, और ये एक मैंने फालतू में straw यहाँ पे straws में बनाया हुआ है. You have to look at here only. Now see, this is your concave mirror. This is the focus point. This is the center of curvature, and it is your pole. So now remember with me. Start memorizing with me. What would be the positions of object? What would be the positions of object? Object कहाँ कहाँ आप place कर सकते हैं? At infinity, beyond C. At C मैंने बताया था ना, we will move in this direction. हम इस direction में चलने वाले हैं. So one will be at infinity. Object will be at infinity. Object is beyond C. Object is at C, object is between C and F, object is at F, and object is between F and P. ये 6 cases हो जाएंगे ना हमारे. So let's start with the ray diagram. See, I told you कि there are few rules. There are few rules for making ray diagrams. So एक बार quick review करते हैं उसका, और फिर इसको start करते हैं. Those rays which will incident parallel, जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आगे क्या बोलना है. तो मेरे साथ इसको रिपीट करते चलिए, इसको टू वे क्लास बना लीजिए अपने साथ बैठकर. नाउ सी, दोज रेज विच गेट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन मिरर, दे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम यस फोकस. दोज रेज विच विल गेट इंसिडेंट फ्रॉम फोकस विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द principal axis. These were the two starting rules. Third rule says that if a ray is incidenting from center of curvature of a mirror, it will reflect back from center of curvature of the mirror. तो जो rays parallel जाएंगे principal axis के, focus से reflect होगी, focus से incident होगी, parallel होके reflect हो जाएंगी. जो center of curvature से होके इंसिडेंट होंगे मिरर के ऊपर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. और एक और था, ऑब्लिकली अगर गिरती हैं तो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. पर मैंने उस रूल का यूज ही नहीं किया. ऐसा नहीं कि मैं ये रे डायग्राम्स ऐसे ही बना सकती हूँ, नहीं. आपको पता है मिरर के ऊपर कई सारी रेज गिरेंगी ना, देयर विल बी अ बीम ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग टू बी इंसिडेंट ऑन द मिरर. उनमें से कुछ मिरर्स, कुछ रेज को हमने क्या किया, जैसे हमने कहा था कि बहुत रूल पढ़ते वक्त भी हमने क्या कहा था कि बहुत सारी रेज है, लेकिन उनमें से कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस हमें पता है, उनके लिए हम रूल देख लेते हैं. तो ऐसे ही मैंने उनमें से कुछ रेज लेकर और डायग्राम बनाए हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही दो रेज जो मैंने कंसिडर की है वही ले सकते हैं. बहुत सारे टीचर्स इसको 3 रेज से भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स इसको 2 रेज से पढ़ाते हैं. तो मैं इसको 2 रेज से पढ़ाती हूँ मोस्टली. इसका रीजन ये है कि इजी होता है समझना, और इजीली हमें समझ में आता जाता है. सो फर्स्ट क्या था, पोजीशन एट इंफिनिटी. सो नाउ सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, टेबल में क्या लिखा था, इंफिनिटी और फोकस का रिलेशन है. ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करने की कोशिश की है. तो
उसमें आप या फिर मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं इसकी प्रीवियस वीडियो. नाउ सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज क्या बनने वाली है, फोकस. इंफिनिटी और फोकस का रिलेशन था ना. तो नाउ सी इंफिनिटी पे हमने पैरेलल रेज कंसिडर की, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनेगा. जब मैं आपको बुक का डायग्राम सेंड करूंगी उसमें दो डायग्राम्स हैं जिसमें ऑब्लिकली वाला भी है और पैरेलल वाला भी है. तो अभी आपको समझना क्या है मेरे बच्चे कि हम एक ही तरीके से पढ़ते चलेंगे तो हमको बहुत आसानी से समझ में आएगा. हम पैरेलल रे लेके चल रहे हैं तो आप हर डायग्राम में कम मिनिमम एक पैरेलल रे लेने वाले हैं, मिनिमम एक पैरेलल रे लेने वाले हैं. तो नाउ सी, तो इंफिनिटी से कई सारी रेज आ रही होंगी तो हमने उनमें से सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज को क्या किया, कंसिडर किया. तो जो रेज पैरेलल इंसिडेंट हुई थी वो कहां से रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से. ओके, नाउ सी ये सिंगल एरो है, रिफ्लेक्ट होते हुए सिंगल एरो से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल और रिफ्लेक्ट होते हुए भी डबल एरो से रिफ्लेक्ट हो रहा है. नाउ सी यही आप डायग्राम देखते हैं इन द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, यही होता है, यही है. तो वो किसके लिए शो किया गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम. सो नाउ सी, सो जो पैरेलल रेज आ रही है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो कहां पे जाके देखिए आप जरा, कहां पर जाकर मीट किए, फोकस. कहां पे जाके मीट किए, फोकस पे. नेक्स्ट क्लास में जब हम रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे आपको ध्यान रखना है इमेज रिफ्लेक्ट होगी किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, क्योंकि वहीं से समझ में आएगा रियल और वर्चुअल. नाउ सी इमेज रिफ्लेक्ट होके फोकस पे मीट की, तो जहां पे रिफ्लेक्ट होकर रेज आपस में मीट करते हैं एट दैट पॉइंट वी विल गेट अवर इमेज. तो यहाँ पे कहां मीट किया, फोकस पे. मैं इतना कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रही हूँ, इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे आप लेंस और कॉन्वेक्स मिरर तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर ये आ गया तो. सो नाउ सी ये इतने सारे रेज जो पैरेलल थे, दो रेज मैंने कंसीडर किए, तो वो सारे फोकस से होकर गए एंड दे विल मीट एट फोकस. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे विल मीट एट फोकस, और जहां पर वो मीट करते हैं एट दैट पॉइंट द इमेज विल गेट फॉर्म, एट दैट पॉइंट द इमेज विल गेट फॉर्म. नाउ सी सो इमेज विल फॉर्म एट फोकस. टेबल में याद कीजिए कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड. टेबल में देखिए साइज में मैंने क्या लिखाया था, ये बोर्ड में मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने सिर्फ उसकी पोजीशन और नेचर लिखा है, साइज नहीं लिखा है. नाउ सी सो टेबल में देखिए हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, मैंने बताया था हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज. तो देखो पॉइंट साइज इमेज है, बहुत छोटी सी इमेज मिलने वाली है. जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा, याद कीजिए रिलेशन बियॉन्ड सी का बिटवीन सी एंड एफ के साथ है. नाउ सी एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाकर कैसे पास ऑन होगी, फोकस से पास ऑन होगी. मैं डबल एरो बना देती हूँ. नाउ सी ये डबली एरो है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई. तो अभी आप सिंगल एरो वाला देखेंगे जरा, दिस रे इज इंसिडेंटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द फोकस. पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से और कैसे आ रहा है, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है. दूसरा रे फोकस से जा रहा है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो देखिए किस पॉइंट पे मीट हुआ, इस पॉइंट पे, और जहां मीट होता है वहां पर कौन क्या मिलने वाला है आपको, इमेज. सो नाउ सी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव था, इमेज मिला प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो. दिस मींस ये इमेज होगी इन्वर्टेड. कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड. आप देख सकते हैं ये इमेज का टॉप है, ये इमेज का बॉटम है, जबकि इमेज का टॉप इधर मिलता है बॉटम इधर. ऑब्जेक्ट अगर ऐसा था इमेज ऐसा मिला आपको, ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है. कहां मिला, बिटवीन सी एंड एफ. मैंने बोला था उस प्रीवियस लेक्चर में दिस वन इज माय फेवरेट. नाउ सी कि आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी रखना है. ऑब्जेक्ट एट सी रखने के बाद होगा क्या कि आपका एक रे पैरेलल जाता है, यू कैन सी दिस रे इज पैरेलल, सिंगल एरो से आप देख रहे हैं. तो कहां से रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से. एक रे फोकस से, आप नोटिस कीजिए इसमें भी एक रे हमने पैरेलल लिया, एक फोकस से पास कराया. इसमें भी एक पैरेलल लिया, एक फोकस से पास कराया, और वो जहां मीट हुए दोनों रिफ्लेक्ट हो गए उस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है आपको, इमेज. देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के अबव था, अब कहां मिला हमको, बिलो मिला. तो इमेज कैसा हो गया, इन्वर्टेड. कैसा हो गया, इन्वर्टेड. पोजिशन क्या है, सी, ठीक है, एट सी. नाउ सी अभी बियॉन्ड सी है, आपको याद होना, सॉरी बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है. तो बिटवीन सी एंड एफ के लिए इमेज कहां मिलती है, बियॉन्ड सी. इमेज कहां मिलती है, बियॉन्ड सी. वन रे विल गेट गो पैरेलल विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस.
one ray, this ray is getting parallel to the principal axis and reflecting from the focus. Another ray is incidenting from focus and reflecting parallel to the principal axis. और अभी जब ये जिस point पर meet हुए, वहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? Image. तो image देखिए, object above the principal axis था, image below principal axis, inverted होगी. और इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड समझ में आ गया होगा, कई बच्चे कह रहे हैं मैम रियल नहीं समझ में आया. रियल का एक तो लॉजिक मैं आपको यहाँ पे ट्रिक देके जाऊंगी, लेकिन उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि रियल और वर्चुअल में ना आप ये रे डायग्राम्स याद रखना कि मैम ने जो रे डायग्राम्स पढ़ाए थे, तो जब मैं रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ाऊंगी ना वहां पे आपको बहुत एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा जहां आप समझ जाएंगे कि क्यों रियल था और क्यों वर्चुअल था. नाउ सी कि अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट एफ. याद कीजिए, इंफिनिटी और फोकस का रिलेशन है, बियॉन्ड सी एंड बिटवीन सी एंड एफ का रिलेशन है. वो टेबल आपने ओपन कर रखी होगी तो आपने उसमें जरूर देखा होगा. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस. वन रे हमने बोला, हर बार आपको करना क्या है? एक पैरेलल रे कंसीडर करनी है, वो कहां से निकलेगी? फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होगी. एक कंसीडर करनी है फोकस वाली, वो पैरेलल होके निकलेगी. तो बच्चे अब ये तो फोकस से नहीं जा सकती थी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी फोकस पे है, तो मैंने कौन सा कंसीडर किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो देखिए, ये इमेज रे इंसिडेंट होती है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्ट हो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर. थर्ड रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम याद कर लीजिए. तो अभी आप नोटिस कर पाएंगे कि ये दो रेज जो आपके सामने, दीज टू रेज आर सीम्स टू बी लिटिल बिट पैरेलल, पर ये एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है. आगे जाके कहीं बहुत दूर ये मीट करेंगी, तो आप देखिए जरा, अगर आगे जाके कहीं बहुत दूर ये मीट करने वाली है और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर दीजिए तो क्या होने वाला है? कहीं एट इंफिनिटी इमेज कहाँ मिलने वाली है? एट इंफिनिटी. रियल एंड इन्वर्टेड मिलने वाली है, बियॉन्ड है, सॉरी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है. और कहीं बहुत दूर हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज मिलने वाली है. सिमिलरली आप इधर देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन एफ एंड पी. बिटवीन एफ एंड पी एक रे पैरेलल जाता है और फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो गया. लेट मी मेक द एरो फॉर यू, दिस इज एंड लाइक दिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है और यहीं से वापस हो जाता है. तो आप नोटिस कर पाएंगे कि इफ आई विल एक्सटेंड दीज रेज ओवर हियर, दे विल नॉट मीट. तो ऐसा कैसे हो गया? जब मीट ही नहीं करेंगे रेज तो इसका मतलब इमेज नहीं बनेगा. आई टोल्ड यू कि रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज जिस पॉइंट पर मीट करती हैं हमारा इमेज वही फॉर्म हो जाता है. सो अभी हमने इसको बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं? डॉटेड लाइंस. तो बिहाइंड द मिरर हम जैसे एक्सटेंड करते हैं, आप देखते हैं कि ये यहाँ पर मीट कर जाते हैं और हमें इमेज मिल जाता है जो टेबल में लिखा हुआ है. तो इसका नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट. नाउ सी, इरेक्ट क्यों आया? आप देख सकते हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आपका ऑब्जेक्ट था, सो द इमेज इज आल्सो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ यू कैन सी कि टॉप इज अ टॉप, बॉटम इज अ बॉटम. आई टोल्ड यू, अगर आपका हेड दिखाई देता है उसी पोजीशन पे, टोज की पोजीशन पे, इरेक्ट इमेज, और जस्ट इन्वर्ट हो जाते हैं तो इन्वर्टेड इमेज. अब आप एक चीज मेरे साथ नोटिस कर पा रहे होंगे, कॉनकेव मिरर में आपने नोटिस किया, क्योंकि देखिए हम मिरर पढ़ेंगे और लेंस पढ़ेंगे, दो मिरर और दो लेंस, चार, तो हम इतना कैसे लर्न करेंगे भाई? इतना कैसे करेंगे? नहीं, जिस दिन ये सारे मिरर और लेंस हो जाएंगे तो मैं एक ट्रिक और बताऊंगी आपको. जैसे मैंने लेंस कन्व बताई थी ऐसे, तो हम एक ही लर्न करेंगे और हमें चार लर्न होंगे. हम कभी भी ना, जो लोग ज्यादा लर्न करते हैं वो कभी नहीं सक्सेसफुल होते. हमने करना क्या है? ट्रिक से काम करना है. हमने एक लर्न करना है और उसकी हेल्प से बाकी रिमेनिंग थ्री हमको मेमोराइज करने हैं. तो आप देख सकते होंगे कि रियल इमेज कहाँ बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे इमेज बन रहा है तो उसी वक्त कौन सी इमेज है? रियल. लेकिन जब ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड यानी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा तो कैसा है? वर्चुअल. तो अभी आप सिर्फ इतना पॉइंट रख के चलिए कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के केस में, क्योंकि लेंस में हम ऑपोजिट पढ़ेंगे, जस्ट ऑपोजिट,
मिरर का जस्ट ऑपोजिट लेंस है. तो ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमें इमेज मिल जाता है, इमेज कैसा होता है, रियल, समझना, मैंने इन्वर्टेड नहीं बोला है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कैसा मिलता है हमको, रियल. ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कैसा मिलता है, वर्चुअल. तो नाउ सी, रियल के साथ मोस्टली आपको इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ मोस्टली आपको इरेक्ट इमेज मिलेंगे. रिमेनिंग केसेस हैं जो दो कॉन्वेक्स के, दे विल बी इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.